नमस्ते, मैं मंजू कुमारी। आज आप लोगों को क्लास 10 संचयन का पाठ हरिहर काका का मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। इससे पहले मैं इसका समरी भी बनाई हूँ, उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। क्लास 9, 10th कृतिका, क्षितिज और क्लास 8 का भी मैं बहुत सारा वीडियो बनाई हूँ, क्वेश्चन आंसर भी बनाई हूँ, उसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अभी मैं आप लोगों को हरिहर काका का फुल एक्सप्लेनेशन इसलिए करने जा रही हूँ क्योंकि अगर आप फुल एक्सप्लेनेशन समझ में आप लोगों को आ जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा तो ज़रूर लिख डालिएगा। तो इसमें क्या कह रहा है हरिहर काका, मिथिलेश्वर इनके राइटर हैं। तो हरिहर काका कौन है? हरिहर काका एक गांव में रहने वाले एक बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं। तो उनके साथ किस तरह का बर्ताव किया गया है, उनके भाई ही उनके गांव के महंत जो हैं पुजारी किस तरह के बर्ताव किए हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार किए हैं, बहुत ही मार्मिक कहानी है। लेखक मिथिलेश्वर द्वारा यह लिखा गया है, इससे बहुत संदेश मिलेगा। इस पाठ को पढ़ने के बाद काफ़ी जो है ज्ञान आएगा कि जीवन में किस तरह से आदमी को रहना चाहिए। तो अभी मैं पाठ शुरू करती हूँ हरिहर काका। तो हरिहर काका के यहाँ से मैं अभी लौटा हूँ। कौन लौटा है? लेखक। लेखक लौटे हैं हरिहर काका के साथ। लेखक हमें सराहा करते थे तो कल भी उनके यहाँ लेखक गए थे, लेकिन ना तो वह कल कुछ कह सके और ना आज ही। लेखक जब हरिहर काका के यहाँ गए हैं तो देखते हैं कि वो चुपचाप गुमसुम से बैठे हुए हैं, दो दिन से ठीक से उनसे बातचीत नहीं हुई है। वैसे तो पहले बहुत बातचीत किया करते थे और दोनों दिन उनके पास देर तक लेखक बैठे रहे हैं, लेकिन उनसे कोई भी बातचीत नहीं हुई है। जब उनकी तबीयत के बारे में लेखक पूछते हैं तब वे सिर उठाकर एक बार केवल उनको देखते हैं, फिर सिर झुकाया तो दोबारा मेरे तरफ नहीं देखा। लेखक जो हैं लेखक के तरफ दोबारा हरिहर काका नहीं देखते हैं, सर झुका लेते हैं। उनको कुछ चिंता है, परेशानियां हैं और क्या परेशानियां हैं आगे आपको समझ में आएगा। हालांकि उनकी एक ही नज़र बहुत कुछ कह गई है, यानी उनकी जो नज़र उठी थी तो उनका नज़र उदास सा दिखाई दे रहा था। तो लेखक उनके नज़र को पढ़कर ही उनके मन को समझ लेते हैं कि आज लेखक के मन में कोई व्यथा है, कोई कष्ट है, इसलिए उनका स्वभाव ऐसा हो गया है। जिन यंत्राओं मतलब कष्टों के बीच वह घिरे थे और जिन मनस्थिति में जी रहे थे उनमें आँखें ही बहुत कुछ कह देती है, मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि उनका एक भरा पूरा परिवार है और उस परिवार में भी हरिहर काका अकेला ज़िंदगी किस तरह व्यतीत कर रहे हैं, उनकी आँखें ही उदासी ही सब कुछ बता रहा है। हरिहर काका की ज़िंदगी से मैं बहुत गहरे से जुड़ा हूँ। कौन जुड़ा है? लेखक जुड़े हैं। अपने गांव में जिन चंद लोगों को मैं सम्मान देता हूँ उनमें हरिहर काका एक हैं। हरिहर काका से लेखक का गहरा लगाव है। हरिहर काका के प्रति मेरी आसक्ति मतलब लगाव के अनेक व्यवहारिक और वैचारिक कारण हैं। कौन कौन कारण हैं? उनमें प्रमुख कारण दो हैं। एक तो यह कि हरिहर काका मेरे पड़ोस में रहते हैं और दूसरा कारण यह है कि मेरी माँ बताती है, लेखक की माँ उनको बताती थी कि हरिहर काका बचपन में मुझे बहुत दुलार करते थे, अपने कंधे पर बैठाकर घुमाया करते थे। एक पिता अपने बच्चे को जितना प्यार करता है उससे कहीं अधिक प्यार हरिहर काका लेखक को करते थे। और जब वे सयाना हो गए मतलब बड़े हो गए तब मेरी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ ही लेखक की दोस्ती होती है। हरिहर काका ने भी जैसे मुझसे दोस्ती के लिए ही इतनी उम्र तक प्रतीक्षा की थी। लेखक को और हरिहर काका को दोनों में बहुत ही गहरा लगाव है। माँ बताती है कि मुझसे पहले गांव में किसी अन्य से उनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई थी। वह मुझसे बहुत कुछ छिपाते थे, खूब खुलकर बातें करते थे, कभी कभी कोई बात छिपा भी लेते थे और खुलकर भी बातें करते थे। लेकिन फिलहाल आजकल क्या हो रहा है, मुझसे कुछ कहना वह बंद कर दिए हैं। उनकी इस स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया है। अब क्या हुआ है, जैसे कोई नाव बीच मझधार में मतलब भवसागर में जैसे मझधार में बीच में नदी के बीच में फंसी होती है, उस पर सवार होकर लोग चिल्लाने लगते हैं, रक्षा करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उनकी चिल्लाहट दूर तक फैले सागर के बीच उठती गिरती लहरों में विलीन हो जाती है मतलब लुप्त हो जाती है, अतिरिक्त कोई भी नहीं कर सकती। मौन होकर जल समाधि लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प मतलब उपाय नहीं है, लेकिन मन इसे मानने को कतई तैयार नहीं है। अब लेखक का मन नहीं मान रहा है कि आज
इस तरह के हरिहर काका क्यों उदास भरे जिंदगी जी रहे हैं, जीने की लालसा की वजह से बेचैनी और छटपटाहट बढ़ गई हो, कुछ ऐसी स्थिति के बीच हरिहर काका घिर गए हैं। हरिहर काका के बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वह यह समझ नहीं पा रहे हैं कि कहें तो क्या कहें। अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कहकर वह हल्का कर सके, कोई ऐसी उक्ति नहीं जिसे कहकर वे मुक्ति पा सके। अब मतलब उनको चिंता हो रहा है कि इस तरह के भाव क्यों हो गए हैं। हरिहर काका की स्थिति में मैं होता तो निश्चय ही इस गूंगेपन का शिकार हो जाता। अब लेखक को भी उनके चिंता का कारण समझ में आ गया है कि वे परिवार में उनकी पत्नी मर गई है, कोई नहीं है, भाई लोग ठीक से ख्याल नहीं रखते हैं, तो इस कारण वे उदास से रह रहे हैं। हरिहर काका स्थिति में कैसे आ फंसे, यह कौन सी स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, यह सब बताने से पहले अपने गांव को, खासकर अपने गांव की ठकुरवाड़ी का संक्षिप्त परिचय। अब लेखक वहां गांव है, बड़ा सा गांव है, उसमें एक बड़ा सा ठकुरवाड़ी है। ठकुरवाड़ी किसको कहते हैं, एक मंदिर के जैसे होता है, उसमें भगवान कृष्ण की मूर्ति होती है और उसमें कुछ महंत लोग होते हैं जो गेरुए वस्त्र पहनकर वहाँ पूजा पाठ किया करते हैं, प्रवचन किया करते हैं, तो वह यह सब बताना चाह रहे हैं। लेखक यहाँ बताते हैं कि मेरा गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, हसन बाज़ार बस स्टैंड के पास उनका गांव है। गांव की कुल आबादी कितनी है, 2500-3000 होगी। गांव में तीन प्रमुख स्थान है, क्या क्या स्थान है, गांव के पश्चिम के किनारे बड़ा सा एक तालाब है, गांव के बीच में बरगद का पुराना वृक्ष है, गांव के पूरब में ठाकुर जी का विशाल मंदिर है, मतलब वही ठाकुरवाड़ी है जिसे गांव के लोग क्या कहते हैं, उसको ठाकुरवाड़ी कहते हैं। गांव में अब यह तो ठाकुरवाड़ी का परिचय दे दिया गया है। गांव में इस ठाकुरवाड़ी की स्थापना कब हुई, इसकी ठीक ठीक जानकारी किसी को नहीं है। इस संबंध में गांव में जो कहानी प्रचलित है, गांव में जो कुछ बड़े बुजुर्ग हैं वे बताते हैं कि वर्षों पहले जब गांव पूरी तरह बसा भी नहीं था, कहीं से एक संत आकर स्थान में झोपड़ी बना लिए थे, एक झोपड़ी बना के रहते थे, वह सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की पूजा किया करते थे, लोगों से मांग कर खा लेते थे और पूजा पाठ की भावना जागृत करते थे, सबको प्रवचन सुनाया करते थे और सबको जो है भगवान के बारे में बताते थे। बाद में लोगों ने चंदा करके यहाँ ठाकुर जी का छोटा सा, सब लोग क्या किया, थोड़ा थोड़ा पैसा देकर सब गांव के लोग हैं वो लोग एक मंदिर बनवा दिया है। फिर जैसे तैसे गांव बसता गया और आबादी बढ़ती गई, मंदिर के कलेबर में भी विस्तार होता गया, लोग ठाकुर जी को मनौती मानते, कोई कहते कि पुत्र होगा तो कुछ देंगे, पैसे दे देते, कोई मुकदमे में जमीन किसी का जीत हो जाता तो उसमें कुछ चढ़ावा चढ़ा देता था, लड़की का शादी हो जाता था तो ठाकुर जी को रुपये जेवर चढ़ा देते थे, और अधिक जब कोई बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था तो क्या करता था, वो लोग जमीन भी दे देता था। तो इस तरह से क्या हुआ, ठाकुरवाड़ी के पास बहुत सारे जमीन जायदाद हो गए। अधिकांश लोगों को विश्वास है कि उन्हें अच्छी फसल होती है वो, और बहुत सारे जमीन हो जाने से अब ठाकुरवाड़ी काफ़ी संपन्न हो गया। मुकदमे में उनकी जीत हुई तो ठाकुर जी के चलते, लड़की के शादी हुई तो ठाकुर जी के चलते, यह सब मन में विचार आने लगा। अब तो गाँव ठाकुरवाड़ी से ही पहचाना जाता है क्योंकि ठाकुरवाड़ी काफ़ी नामी गिरामी हो गया था। यह ठाकुरवाड़ी न सिर्फ मेरे गांव की एक बड़ी और विशाल ठाकुरवाड़ी है, बल्कि पूरे इलाके में इसकी जोर कि मतलब इस ठाकुरवाड़ी के जैसे इस इलाके में कोई भी ठाकुरवाड़ी नहीं है। ठाकुरवाड़ी के नाम पर 20 बीघे खेत हैं, धार्मिक लोगों की एक समिति है और बहुत सारे उसमें समिति बने हुए हैं, धार्मिक लोग कहलाने वाले जो ठाकुरवाड़ी का देखरेख भी करते हैं और संचालन भी करते हैं, मतलब चलाते भी हैं, और प्रत्येक 3 साल पर एक महंत और पुजारी की नियुक्ति भी होती है, वहाँ पर एक पुजारी और महंत को वहाँ लगाया जाता है हर 3 साल पर। अब क्या हुआ, ठाकुरवाड़ी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना तथा धर्म के प्रति विमुख हो रहे लोगों को रास्ते पर लाना है। अब ठाकुरवाड़ी में जो भी संत महात्मा है वो क्या करते हैं, लोग को भगवान के बारे में बताते हैं, भक्ति भावना किस तरह करना चाहिए और सबको सही रास्ते दिखाने का कोशिश करते हैं। ठाकुरवाड़ी में भजन कीर्तन की आवाज़ भी गूंजती रहती है। गांव जब भी बाढ़ या सूखे की चपेट में आता है तो ठाकुरवाड़ी के अहाते में तंबू लगाते हैं, क्योंकि ठाकुरवाड़ी के पास काफ़ी ज़मीन है, तो जब भी कभी बाढ़ आ जाता है, बहुत सारे पानी आ जाते हैं, तो वहाँ पर लोग पंडाल लगाते हैं और तंबू लगाते हैं, वहाँ पर लोग रहते हैं, लोग ठाकुरवाड़ी के साधु संत अखंड हरि कीर्तन शुरू करते हैं। इसके अतिरिक्त गांव में किसी भी पर्व त्यौहार की शुरुआत
ठाकुरबाड़ी से ही होती है। होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुरबाड़ी को ही चढ़ाया जाता है। दीपावली का पहला दीप ठाकुरबाड़ी को ही जलाता है, यानी ठाकुरबाड़ी के प्रति सबकी बहुत आस्था है। जन्म हो या शादी हो, जनेऊ हो, कोई भी चीज़ हो, पहले ठाकुरबाड़ी को लोग जाते हैं। ठाकुरबाड़ी के ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन घर घर घूम कर कथा वाचन भी करते हैं। लोगों के खलिहान में जब फसल की दीवानी होती है, माने धान निकलने की प्रक्रिया होती है, दौनी होती है, जब धान होता है तो उसके प्लांट को जो है तोड़ा जाता है, दौनी होता है, उसे वहाँ पर जो है बैल लाया जाता है, बैल को उस पर चारों तरफ घुमाया जाता है, उसको दौनी बोलते हैं। तो वहाँ अनाज भी होता है। जब ठाकुरबाड़ी के नाम अगौम निकलकर ही लोग अनाज अपने घर ले आते हैं, यानी जिसके घर खेती होता है तो लोग क्या करते हैं, पहला अन्न जो है उसको अगौम बोलते हैं, अगौम करके सबसे पहला अन्न ठाकुरबाड़ी को लोग दे आते हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं, ठाकुरबाड़ी के साथ अधिकांश लोगों का संबंध बहुत ही घनिष्ठ है। घनिष्ठ है का मतलब है बहुत ही गहरा संबंध है, मन और तन दोनों स्तर पर। कृषि कार्य से अपना बचा हुआ समय वे ठाकुरबाड़ी में ही बिताते हैं, और लोग क्या करते हैं, मन बहलाने का हुआ तो ठाकुरबाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं, वहाँ कुछ अच्छा चीज़ सुनने को भी मिलता है। ठाकुरबाड़ी में साधु संतों का प्रवचन जो है मन उपदेश सुन और ठाकुर जी का दर्शन कर हुए अपना यह जीवन सार्थक मानने लगते हैं। उन्हें यह महसूस होता है कि ठाकुरबाड़ी में प्रवेश करते ही पवित्र हो जाते हैं, उनके पिछले जन्मों का पाप जो है खत्म हो जाता है। लोग श्रद्धा भाव से ठाकुरबाड़ी पहुंचते हैं। परिस्थिति बस इधर हरिहर काका ने ठाकुरबाड़ी में जाना बंद कर दिया, क्योंकि परिस्थिति इसीलिए आ गया कि उनके घर में जो है उन्हें समय पर भोजन नहीं दिया जाता था, उनका ख्याल नहीं किया जाता था। काका हरिहर काका थोड़ी बीमार भी पड़ गए थे। पहले वह अक्सर ही ठाकुरबाड़ी जाते थे मन बहलाने के लिए, कभी कभी वे ठाकुरबाड़ी जाते थे, लेकिन वहाँ के साधु संत उन्हें फूटी आँखें नहीं सुहाते थे। क्यों नहीं सुहाते थे, क्योंकि ठाकुरबाड़ी में जो संत महात्मा थे उसके हृदय में जो है छल कपट भरा हुआ था, उसका जो है मन गंदा हो चुका था। वे क्या करते थे, भक्ति के नाम पर लोग को लूटते थे, लोग से धन कमाते थे, काम धाम करने में उनकी कोई रुचि नहीं थी। ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों जून वे लोग क्या करते थे, हलवा पूरी खाते थे, आराम से परे रहते थे, प्रवचन देते थे, यह सब जो है हरिहर काका को बिल्कुल पसंद नहीं था। और हरिहर काका क्या है, अब हरिहर काका के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि हरिहर काका चार भाई हैं और सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफ़ी सयाने हो गए हैं, दो की शादियाँ भी हो गई है, उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर के किसी दफ्तर में क्लर्क भी बन गए हैं। लेकिन हरिहर काका की अपनी देह से कोई औलाद नहीं है, क्योंकि हरिहर काका भाइयों में नंबर दूसरा है। औलाद के लिए उन्होंने दो शादियां भी की, मतलब बच्चे के लिए, संतान के लिए दो शादियां की, लेकिन लंबे समय तक प्रतीक्षा के बाद भी ऐसा नहीं हुआ और उनकी दोनों पत्नियां जो हैं स्वर्ग सिधार गई, मतलब मर गई हैं। लोगों ने तीसरी शादी के लिए सलाह दी, लेकिन अपनी गिरती हुई उम्र और धार्मिक संस्कारों के कारण हरिहर काका यह बात इनकार कर देते हैं। बोलते हैं, नहीं, सुख अगर लिखा रहता तो दो बीवी से ही मुझे सुख मिलता, बच्चे होते, लेकिन अब वे नहीं चाहते कि अब तीसरी भी शादी करें। वह इत्मीनान और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगते हैं। हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे ज़मीन है। कितना है, 60 बीघा ज़मीन। प्रत्येक भाई के हिस्से में 15-15 अगर आप करेंगे तो चार भाई हैं तो 15-15 बीघा सबको ज़मीन मिला है। शायद इसलिए अब संयुक्त परिवार के रूप में ही जो हैं लोग रहने लगे। प्रत्येक भाई के हिस्से में 15 बीघा ज़मीन है। कृषि कार्य पर ये लोग निर्भर, इन लोग का जो है मुख्य कार्य है कृषि, मतलब खेती से ही इन लोग का भरण पोषण हो रहा है। हरिहर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह सीख दी कि हरिहर काका की अच्छी तरह सेवा करें, समय पर उन्हें नाश्ता खाना दे, किसी की तकलीफ ना होने दे। कुछ दिनों तक हरिहर काका की सब लोग खोज खबर लेती रही, लेकिन क्या हुआ, बाद में जो है उनका कोई देखरेख नहीं कर रहा है और जो है उनको समय पर खाना पीना नहीं दिया जा रहा है।
अपने मर्दों को वो लोग क्या करते हैं, अपने पति को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती हैं और हरिहर काका के आगे रूखी सूखी जो बचा खुचा कुछ रहता है आगे दे देती हैं। कभी कभी तो हरिहर काका को रूखा सूखा ही खाकर संतोष करना पड़ता है। अगर कभी हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती है तो मुसीबत हो जाता है। इतने बड़े परिवार में रहते हुए भी उन्हें पानी देने के लिए कोई नहीं होता है, सभी अपने कामों में मशगूल हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं। बच्चे या तो पढ़ लिख रहे होते हैं या धमा चौकरी कर रहे होते हैं, मतलब जो उधम मचाते रहते हैं। मर्द खेतों पर गए रहते हैं, औरतों का हाल पूछने भी नहीं आती। औरत लोग जो है कभी भी हरिहर काका से कुछ पूछने नहीं आती कि उनकी तबीयत कैसी है नहीं है। ऐसे वक्त उनको अपनी पत्नियों की बहुत याद आती है और आंखें भर आती है। भाइयों के प्रति मोह भंग की शुरुआत इन्हीं क्षणों में हुई है। धीरे धीरे जो है हरिहर काका को अपने भाइयों के प्रति जो है मोह खत्म हो गया है, प्यार खत्म हो गया है। उस दिन शहर में कलर्की आने वाले भतीजे का एक दोस्त आया था। एक दिन क्या हुआ होता है, उनके भतीजे के दोस्त आ रहे घर में आए होते हैं। उसके आगमन के उपलक्ष्य में दो तीन तरह की सब्जियाँ, बजके, चटनी, रायता आदि बन रहे होते हैं। बीमारी से उठे हरिहर काका का मन क्या होता है, आज हमको स्वादिष्ट खाना मिलेगा। लेकिन क्या होता है, विपरीत होता है। सबों ने खाना खा लिया और उनको कोई भी पूछने तक नहीं आता है। उनके तीनों भाई खाना खाकर खलिहान में चले जाते हैं और दौनी हो रही होती है। दौनी मतलब वही धान का जो प्लांट है उसमें से धान निकाल रहे होते हैं। वे इस बात के प्रति निश्चिंत थे कि हरिहर काका को तो पहले ही खिला दिया। उनके भाई लोग नहीं जानते थे कि उनकी पत्नी इस तरह का व्यवहार कर रही है, तो इसीलिए वे पूछने नहीं आते हैं। अंत में क्या होता है, हरिहर काका स्वयं दलान के कमरे से निकलकर हवेली में प्रवेश किया। तब उनके छोटे भाई की पत्नी क्या करती हैं, उनको रूखा सूखा लाकर उनके सामने परोस दी है। क्या परोस दी है, भात मट्ठा और अचार। बस हरिहर काका के बदन में तो जैसे आग लग गई, उनको काफ़ी गुस्से आ गई। उनको उम्मीद थी कि आज कम से कम अच्छा खाना मिलेगा। उन्होंने थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दी। अन्न और झन से आवाज़ के साथ आंगन में थाली गिरी, भात बिखर गया। विभिन्न घरों में बैठी लड़कियां, बहुएं सब एक साथ बाहर निकल आई। अब सब लोग जब आवाज़ सुनते हैं तो बाहर निकल आते हैं। हरिहर काका गरजते हुए हवेली से दलान की ओर, मतलब अपने बरामदे पर चिल्लाते हुए चले जाते हैं और कह रहे हैं कि समझ रही हो कि मुफ्त में खिलाती हो, तो अपने मन से यह बात निकाल देना। हरिहर काका बोलते हैं कि तुम मुफ्त में हमको नहीं खिलाती हो, जो तुम यह सोचकर हमको ऐसा रूखा सूखा खाना दे रही हो। मेरे हिस्से के खेत की पैदावार इसी घर में आती है। अब वो बोल रहे हैं कि हमारे खेत में 15 बीघा खेत है, उसका सब कुछ यहाँ धान चावल गेहूँ आता है, लेकिन तुम हमको रूखा सूखा दे रही हो। इनमें तो 2-4 नौकर मैं रख लूँगा और आराम से खाऊँ, तभी भी कमी नहीं होगी। मैं अनाथ और बेसहारा सहारा नहीं हूँ। लेखक ये बोल रहे हैं हरिहर काका, मैं बेसहारा नहीं हूँ जो तुम मुझे बेसहारा समझ रही हो। मेरे धन पर तो सब कुछ सब लोग मौज कर रहे हैं, लेकिन अब तो तुम सबों को बताऊंगा, अब मैं बताऊंगा कि मैं मेरे मन में क्या है। अब हरिहर काका का जो है किस तरह से जो है मन बदल जाता है। अब हरिहर काका जिस वक्त यह सब बोल रहे थे, उस वक्त क्या होता है, ठाकुरबाड़ी के पुजारी उनके दलान पर ही विराजमान थे, उनके ही दलान पर बैठे हुए थे। वार्षिक हुमाद के लिए, मतलब हवन के लिए कुछ सामग्री लेने आए थे, तो वहाँ पर घी और शकील लेने आए थे। लौटकर उन्होंने महंत जी को विस्तार के साथ यह सब बात, महंत के पुजारी जो है समझ जाते हैं और जाकर महंत को सब बात बताते हैं कि हरिहर काका के साथ ऐसा हुआ। उनके कान खड़े हो गए। वह दिन उन्हें बहुत शुभ महसूस हुआ। अब वो महंत बहुत खुश होते हैं। उस दिन को उन्होंने ऐसे ही गुजर देना उचित नहीं समझा। तत्क्षण वो क्या करता है, मतलब तुरंत टीका तिलक लगा, कंधे पर राम नामी लिखकर चादर डाल ठाकुरबाड़ी से चल पड़े। अब महंत वहाँ से ठाकुरबाड़ी से निकल जाते हैं, अपना पासा जो किस तरह से उसको पलटेंगे। संजोग अच्छा था, हरिहर दलान पर नहीं जाना पड़ा, रास्ते में ही हरिहर काका मिल जाते हैं। और गुस्से में घर से निकल वह खलिहान की ओर जा रहे थे, लेकिन महंत जी ने उन्हें खलिहान की ओर नहीं जाने दिया, अपने साथ ठाकुरबाड़ी पर ले आए। फिर एकांत कमरे में उन्हें बैठा खूब प्रेम से समझाने लगा। हरिहर, यहाँ कोई किसी का नहीं है, यह सब माया है, बंधन है। तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है, अब उनको उपदेश देने लगा।
मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम इस बंधन में कैसे फंस गए हो। तुमको मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए, ईश्वर की भक्ति में लग जाओ। उसके सिवाय कोई तुम्हारा अपना नहीं है। पत्नी, बेटे, भाई, बंधु सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमसे उनका स्वार्थ सधने वाला है, उस दिन वे तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। इसलिए ज्ञानी संत महात्मा ईश्वर के सिवाय किसी और से प्रेम नहीं लगाते हैं। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघा खेत है, उसी के चलते तुम्हारे भाई अब उनको बहुत तरह के बात बोल रहे हैं कि तुम्हारे हिस्से में 15 बीघा ज़मीन है, इसलिए वो लोग तुमको सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं। वह तुमसे बोलना बंद कर देंगे, खून का रिश्ता खत्म हो जाएगा। तुम्हारे भले के लिए मैं बहुत दिन से सोच रहा था, लेकिन मैं संकोचवश तुमको नहीं कह रहा था, आज कह देता हूँ। यह सब बात महंत बोल रहे हैं। तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुरबाड़ी के नाम लिख दो, सीधे बैकुंठ को जाओगे, यानी तुमको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तुमको वहाँ मौज मस्ती मिलेगा, तुमको अच्छा रहने को मिलेगा। तीनों लोक में तुम्हारी कीर्ति, तुम जो काम किए हो तुम्हारी कीर्ति चारों तरफ फैल जाएगी। जब तक चांद सूरज रहेंगे तब तक लोग तुम्हें याद करेंगे। ठाकुर जी के नाम पर जमीन लिख देना, तुम्हारे जीवन का महादान होगा। साधु संत तुम्हारे पांव पखारेंगे, सभी तुम्हारा यशगान करेंगे। यह सब सारी बात बोल रहे हैं। किस चीज़ की कमी होगी तुमको? कोई भी चीज़ की कमी नहीं होगी। एक मांगोगे तो 4 हाजिर हो जाएगी। हम तुम्हें सिर आँखों पर उठाकर रखेंगे। ठाकुर जी के साथ तुम्हारी आरती भी लगाएंगे। भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। पता नहीं पुनर्जन्म में तुमने कौन सा पाप किया था कि तुम्हारी दोनों पत्नियाँ जो हैं अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गई है। तुमने औलाद का मुँह तक नहीं देखा, यानी तुमको कोई संतान भी नहीं हुआ। अपना यह जन्म तुम अकारत मतलब बेकार ना जाने दो। ईश्वर को एक भर दोगे तो 10 भर जाओगे। मैं अपने लिए तो तुमसे मांग नहीं रहा हूँ, तुम्हारा यह लोक और परलोक दोनों बन जाए इसकी राह मैं बता रहा हूँ। यह सब अब महंत उनको प्रवचन सुना रहे हैं। अब हरिहर देर तक महंत जी की बात को सुन रहा है। महंत जी की बातें उनके मन में बैठती जा रही थी। ठीक ही तो कह रहे हैं महंत जी, कौन किसका है। 15 बीघा खेत की फसल भाइयों के परिवार को दे देते हैं तब तो कोई पूछता नहीं, अगर कुछ ना दें तो क्या हालत होगी। उनके जीवन में यह स्थिति है, मरने के बाद कौन उन्हें याद करेगा। अब उनके मन में बहुत तरह का सवाल जवाब आ रहा है। सीधे सीधे उनके खेत हड़प जाएंगे, ठाकुर जी के नाम लिख देंगे तो पुश्तों तक याद करेंगे। अब उनके मन में हो रहा है ऐसा कि अच्छा ही कह रहे हैं महंत जी, अब तक के जीवन में तो ईश्वर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, अंतिम समय तो यह बड़ा पुण्य का काम कमा लें। लेकिन यह सोचते हुए भी हरिहर काका का मुंह खुल नहीं रहा था। भाई का परिवार तो अपना ही होता है, उनको यह देकर ठाकुरबाड़ी में दे देना उनके साथ धोखा विश्वास। उनको मन में ऐसा लग रहा था कि हम अपने भाई के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। अपनी बात समाप्त कर महंत जी की प्रतिक्रिया जानने के लिए हरिहर की ओर देखने लगा। अब क्या हुआ? अपनी बात समाप्त कर महंत जी की प्रतिक्रिया जानने के लिए हरिहर की ओर देखने लगा। उन्होंने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे में परिवर्तित भाव महंत जी के अनुभवी आँखों से छिपे। अब महंत जी को लगा कि अब सारी बात जो हम बोले हैं वो हरिहर समझ गया है, अब वो तैयार हो जाएगा। अपनी सफलता पर महंत जी को बहुत खुशी हुई। उन्होंने सही जगह वार किया है। इसके बाद उसी वक्त ठाकुरबाड़ी के 2 सेवकों को बुलाकर आदेश दिया कि साफ सुथरे कमरे में पलंग बिस्तर लगा दिया जाए और उनके आराम के लिए इंतजाम किया जाए। अब सारा इंतजाम वो लोग कर रहे हैं। फिर तो महंत जी के कहने में जितना समय लगता था उससे कम समय में ही सेवकों ने हरिहर काका के मना करने के बावजूद उन्हें एक सुंदर कमरे के पलंग पर बैठाया, लिटाया और महंत जी उन्हें पुजारी जी को यह समझा दिया कि हरिहर के लिए विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था की जाए, यानी अच्छा अच्छा खाना दिया जाए। हरिहर काका को महंत जी एक विशेष उद्देश्य से ले गए थे, इसलिए ठाकुरबाड़ी में चहल पहल शुरू हो गई, सब लोग खुश हो गए हैं। इधर शाम को हरिहर काका के भाई जब खलिहान से जब लौटते हैं तो यह दुर्घटना का पता चलता है। तो हरिहर काका कहाँ है, तो वह अपने पत्नियों पर बहुत बरस पड़ते हैं। फिर एक जगह बैठाकर चिंतामग्न हो गए। हालांकि गांव के किसी व्यक्ति ने भी यह कुछ सुना नहीं था। महंत जी ने हरिहर काका को क्या क्या समझाया इनकी जानकारी भी उन्हें नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उनका मन शंकालु और उनका भाई का मन बेचैन हो उठा है। और दरअसल बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनकी जानकारी बिना बताए ही लोगों को मिल जाती है।
शाम गहराते गहराते हरिहर काका के तीनों भाई अब ठाकुरवाड़ी पहुंच जाते हैं। उन्होंने हरिहर काका को वापस घर चलने के लिए कहा, बोले कि चलो अब घर चलते हैं। इससे पहले कि हरिहर काका कुछ कहते, महंत जी के बीच में आ गए, आज हरिहर को यहीं रहने दो, बीमारी से उठा है। अब महंत जी रोक रहे हैं कि नहीं नहीं हरिहर को आज मत जाने दो, वो बीमारी से उठा है, आज यहीं रहने दो, उनका मन अशांत है, ईश्वर के दरबार में उनको शांति मिलेगी। लेकिन उनके भाई उन्हें घर चलने के लिए जिद करने लगे। इस पर ठाकुरबाड़ी के साधु संत उन्हें समझाने लगे। वहाँ उपस्थित गाँव के लोगों ने भी कहा कि एक रात ठाकुरबाड़ी में रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा। अंततः भाइयों को निराश हो वहाँ से लौटना पड़ा। रात में हरिहर काका को भोग लगाने के लिए जो मिष्ठान और व्यंजन मिले वैसे उन्होंने कभी नहीं खाए थे। घी टपकाते मालपुए, रस बुनिया, लड्डू, छेने की तरकारी, दही, खीर, पुजारी ने स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा था। पास में बैठे महंत जी धर्म चर्चा में मन शांति पहुंचा रहे थे और एक महंत उनको जो है प्रवचन सुना रहे थे। एक ही रात में ठाकुरबाड़ी में जो खुशी, शांति और संतोष पाया वह अपने अब तक के जीवन में इन्होंने, हरिहर काका ने कभी शांति नहीं पाया। इधर तीनों भाई रातों रात सो नहीं सके, भावी आशंका उनके मन में मथती रही। अब उनके भाई को चिंता हो गया कि 15 बीघा खेत अगर लिख दिया महंत को तो क्या हो जाएगा। 2 लाख से अधिक की संपत्ति है, अगर हाथ से निकल गई तो फिर वह कहीं के नहीं रहेंगे। सुबह तड़के ही तीनों भाई पुनः क्या करता है, ठाकुरबाड़ी में पहुंच जाता है। हरिहर काका के पांव पकड़कर वो लोग रोने लगते हैं। अपनी पत्नियां की गलती के लिए माफ़ी मांगी तथा उन्हें दंड देने की बात कहती है कि हम अपनी पत्नियां को जो आपके साथ ऐसा किया तो उसको हम दंड देंगे। साथ ही खून के रिश्ते की माया फैलाई कि हम लोग भाई भाई हैं। हरिहर काका का दिल पसीज गया, वह पुनः वापस घर लौट आए। लेकिन यह क्या, यहाँ पर क्या हुआ है? इस बार अपने घर पर जो बदलाव उन्होंने लक्ष्य किया उसने उन्हें सुखद आश्चर्य में डाल दिया। अब क्या किया, घर के सारे छोटे बड़े जो हैं उनका बहुत ही ख्याल रखने लगे। भाइयों की पत्नियां उन्हें सर पर माथा पर रखने लगी, जो मांगते थे खाना वो मिलता था, अच्छे अच्छे खाना उनको मिलने लगा। उनकी रुचि और इच्छा के मुताबिक दोनों जून खाना तैयार किया गया। 5 महिलाएँ उनकी सेवा में हमेशा तैयार रहती, मुस्तैद रहती थी, मतलब तैयार रहती थी। 3 भाइयों की पत्नियां तो उनकी बहुएं थे। हरिहर काका आराम से दलान में पड़े रहते, जिस किसी चीज़ की इच्छा होती आवाज़ लगाते ही हाजिर हो जाता था। अब समझ गए थे कि यह सब महंत जी के चलते हो रहा है, इसलिए महंत जी के प्रति उनके मन में आदर और श्रद्धा का भाव निरंतर बढ़ते जा रहे थे। अब यह हरिहर काका सोच रहा है कि आज अगर महंत नहीं रहता तो हमारे परिवार में कोई बदलाव नहीं आता, आज महंत के कारण ही हमारे परिवार के लोग हमको इतना आदर और सम्मान दे रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बिना किसी के कुछ बताए गाँव के लोग असली तथ्य से स्वयं वाकिफ हो जाते हैं। हरिहर काका की इस घटना के साथ ऐसा ही हुआ। दरअसल लोगों की जुबान से घटनाओं की जुबान ज़्यादा पैनी और असरदार होती है। घटनाएं स्वयं ही बहुत कुछ कह देती है, लोगों के कहने की ज़रूरत नहीं रहती है। ना तो गांव के लोगों से महंत जी ने कुछ कहा और ना हरिहर काका के भाइयों ने, यानी कभी कभी लोग ऐसे ही भाफ लेते हैं, समझ जाते हैं कि घर में क्या चल रहा है। इसके बावजूद गाँव के लोग सच्चाई से अवगत हो गए थे। फिर उन्हीं का प्रसंग शुरू हुआ। कुछ लोग कहते कि हरिहर को अपनी ज़मीन, अब लोग में क्या हुआ, चर्चा होने लगी लोगों के बीच कि यह ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिख देनी चाहिए। कोई कहता कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, यही सब वहाँ चल रहा था। और कोई तो यह कहा कि जीते जिंदगी ऐसा नहीं करना चाहिए। जितने मुंह उतनी बातें हो रही थी। ऐसा ज़बरदस्त मसला पहले कभी नहीं मिला था, इसलिए लोग मौन होना नहीं चाहते थे। अपने अपने तरीके से समाधान ढूंढ रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुछ घटित हो। हालांकि इस क्रम में बातें गर्माहट भरी नहीं होती थी, लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 2 वर्गों में बंटने लगे। मतलब कोई जो थे हरिहर काका के पक्ष में थे, कोई उनके भाई के पक्ष में थे, कोई ठाकुरवाड़ी के पक्ष में थे। यह सब वहाँ पर हो रहा था। तब
यह ठाकुरबाड़ी न सिर्फ इलाके की ही सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी होगी बल्कि पूरे राज्य में इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकेगा। कोई कहता था कि अगर ये हरिहर काका 15 बीघा जमीन लिख देंगे तो और बड़ा ठाकुरबाड़ी हो जाएगा और इससे बड़ा कोई नहीं ठाकुरबाड़ी होगा। असल में सुबह शाम जब ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है तब साधु संतों के साथ गाँव के कुछ पेटू और चटोर किस्म के लोग प्रसाद पाने के लिए वहाँ जुट जाते हैं। ये लोग इसी वर्ग के, मतलब जो लोग वहाँ पर खाना और प्रसाद खाते थे वो लोग ठाकुरबाड़ी के पक्ष में आ गए थे। दूसरे वर्ग के लोग जो प्रगतिशील विचारों वाले थे, वैसे किसान जिनके यहाँ हरिहर काका औरत मर्द पड़ रहे थे, वे लोग हरिहर काका के पक्ष में थे। अब इधर भावी आशंका, अब सबको हो रहा था कि कुछ न कुछ यहाँ घटना घटेगी। और क्या हुआ आगे इस विषय पर हरिहर काका ने एकांत में मुझसे काफ़ी देर तक बात की। अंततः हम इस निष्कर्ष पर, मतलब परिणाम पर पहुँचे कि जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी किसी और को बनाना ठीक नहीं होगा। एक बार उनको, लेखक को, हरिहर काका बोले कि कुछ लोग ऐसा किए थे कि अपने जीते जिंदगी ज़मीन लिख दिए थे तो उसका क्या हुआ, बाद में उसके परिवार वाले फ़ायदा उठाने लगे और बाद में उसको रूखा सूखा देने लगा और उसका कोई ख्याल नहीं किया, तो यह सब लेखक को पता चल जाता है। हमें अपने गांव और इलाके के वे कुछ लोग याद आए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही अपनी जायदाद अपने उत्तराधिकारियों या किस अन्य को लिख दी थी, लेकिन इसके बाद उनका जीवन कुत्ते की तरह हो गया था। कोई उन्हें पूछने वाला नहीं था। हरिहर काका बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति हैं, वो पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी इस बदलाव को उन्होंने समझ लिया था। मतलब वे जो भाभी आगे जो घटना घटी थी उससे उनको बहुत कुछ सीख मिला था। अब आगे क्या होता है, फिर भी इस बदलाव को उन्होंने समझ लिया और यह निश्चय किया कि जीते जी किसी को ज़मीन नहीं लिखेंगे। अब उनके अंदर वो ठान लिए थे कि हम जीते जिंदगी कभी ऐसा नहीं कर सकेंगे। अपने भाइयों को समझा दिया, मर जाऊंगा तो अपने आप मेरी ज़मीन तुम्हें मिल जाएगी, ज़मीन लेकर तो जाऊंगा नहीं, इसलिए लिखवाने की क्या ज़रूरत है, अपने भाई को कहा करते थे। उधर महंत जी भी हरिहर काका की टोह में रहते थे, जहाँ कहीं एकांत पाते का उठते, विलम्ब ना करो हरिहर, शुभ काम में देरी मत करो, चलकर ठाकुर जी के नाम जमीन वह मतलब वसीयत कर दो, फिर पूरी ज़िंदगी ठाकुरबाड़ी में राज करोगे, मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग में से विमान आएगा, देवलोक को प्राप्त करोगे। इस तरह का मतलब उनको प्रलोभन दिया करते थे कि हरिहर काका किसी भी तरह जमीन उसको लिख दे, लेकिन हरिहर काका न हाँ कहते ना कहते। ना कहकर वे महंत जी को दुखी करना चाहते थे, क्योंकि भाई के परिवार से जो सुख सुविधाएं उन्हें मिल रही थी वे महंत जी की कृपा से ही मिल रही थी, ऐसा उनके मन में लग रहा था। और हाँ कहे तो कहना ही नहीं है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में अपनी ज़मीन उन्हें किसी को देनी नहीं है। इस मुद्दे पर वे काफ़ी जागरूक हो गए थे, मतलब वे काफ़ी अनुभवी हो गए थे कि अगर हम दोनों को ज़मीन दे देंगे तो हम न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। अब क्या होता है आगे बता रहे हैं, पर बीते समय के अनुसार महंत जी की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। अब महंत जी एक जाल रचता है कि हम क्या करें, जाल में फंसी चिड़ियां पकड़ से बाहर हो गई थी, अब लग रहा था कि ये चिड़ियां फंसने वाली है नहीं, तो अब वो कुछ दूसरा जाल फेंकना चाह रहा था। महंत जी इस बात को सह नहीं पा रहे थे, महंत जी को लग रहा था कि हरिहर धर्म संकट में पड़ गया है। अब महंत जी समझ गए थे कि अब तो ये दो नाव पे चल गया है, कभी भाई के बारे में सोच रहा है कभी मेरे बारे में सोच रहा है, तो अब वो अलग रास्ता अपनाना चाह, क्या आगे आपको समझ में आएगा। एक ओर वह चाहता था कि ठाकुर जी को लिख दूँ, किंतु दूसरी ओर भाई के परिवार का मोह आ जाता था। इस स्थिति में हरिहर का क्या किया है, अब ये लोग अपहरण कर लेता है, किडनैप कर लेता है उसको, और ज़बरदस्ती उससे लिखवाने के अतिरिक्त दूसरा मतलब अब सोचता है कि अब इसको किडनैप करके ही अब हम ऐसा काम करेंगे, ज़मीन लिखवाएंगे। अब महंत जी क्या करता है, लड़ाकू और दबंग प्रकृति के जो क्रिमिनल टाइप के आदमी होते हैं उसको ले जा करके यह योजना तैयार करता है और इसमें जुट जाता है। हालांकि यह सब गोपनीयता, मतलब यह सब चुपचाप हो रहा था। और क्या करता है, हरिहर काका के भाइयों की इसकी भनक तक नहीं लग पाया कि ये महंत सब क्या चाल चल रहा है। बात अभी हाल की है, आधी रात के आसपास ठाकुरबाड़ी के साधु संत और उनके पक्षधर भाला गड़ासा बंदूक लैस एकाएक हरिहर काका के दलान पर, जहाँ पे हरिहर काका सोए हुए थे, चुपचाप वो लोग पहुँच जाते हैं। हरिहर काका के भाई इस प्रत्याशित मतलब आकस्मिक अचानक जो हमला है, यह सब कोई भी नहीं जान पाया कि हरिहर काका के साथ ऐसा होगा।
इससे पहले कि वे जवाबी कार्रवाई करें और गुहार लगाकर अपने लोगों को जुटाए, तब तक आक्रमणकारी क्या किए, पीठ पर उसको हरिहर काका को लाद कर नींद में ही लेकर चला गया। गांव में किसी ने ऐसी घटना नहीं देखी थी और न सुनी थी, सारा गांव जाग गया। शुभचिंतक तो उनके यहाँ जुटने लगे, लेकिन अन्य लोग अपने दलान और मकान की छतों पर जमा होकर आहट और बातचीत करने, जैसा कि देखेंगे कि अगल बगल अगर कोई घटना घटता है तो लोग उसमें मज़ा भी लेता है, रस भी लेता है, लोग इधर उधर से झांक कर देखता है कि अरे इसके घर में क्या हो रहा है। ऐसा ही वहां हो रहा था। अब हरिहर काका के भाई लोग के साथ उन्हें ढूंढने लगे उन्हें लगा कि यह महंत का काम है। अब उनके महंत पर शंका होने लगा है। वे मैं दल बल ठाकुरवाड़ी जा पहुँचे, और वो लोग क्या करते हैं, सारे दल बल के साथ, लोगों के साथ वहाँ ठाकुरवाड़ी जा पहुँचते हैं। वहाँ खामोशी और शांति नज़र आती है, पर वहाँ देखते हैं तो कुछ भी हो हल्ला नहीं हो रहा है, सब लोग शांत है। वहाँ रोज़ की भांति ठाकुरवाड़ी के मुख्य फाटक बंद था, मतलब वहाँ उनको छुपा दिया गया था। वातावरण में रात का सन्नाटा और सुनापन व्याप्त था। उन्हें लगा यह काम महंत का नहीं, बाहर का, डाकुओं का। अब उनके भाई को लगा कि अगर ऐसा होता तो कुछ चहल पहल होता, ऐसा नहीं हो सकता है, महंत लोग ऐसा नहीं कर सकते। वे तो हर जाने कि मोटी रकम लेकर ही हरिहर काका को मुक्त करेंगे। अब क्या हुआ, खोज में निकले लोग किसी दूसरी दिशा की ओर अब लोग जाने लगे। इसी समय ठाकुरवाड़ी के अंदर से बातचीत, मतलब आवाज़ आने लगी, किंतु धीमी आवाज़ थी। सबके कान खड़े हो गए, क्योंकि रात के समय अगर थोड़ी सी भी आवाज़ आती है तो लोग जग जाते हैं। उन्हें यकीन हो गया कि हरिहर काका इसी में हैं। अब वो लोग को शंका हो गया कि नहीं, हरिहर काका तो इसी में छिपाया गया है, अब क्या सोचना। अब वो लोग क्या करते हैं, ठाकुरवाड़ी का फाटक को पीटने लगता है। इसी समय क्या होता है, ठाकुरवाड़ी के छत से रोड़े और पत्थर उसके ऊपर गिरने लगते हैं। अब वो लोग क्या किए हैं, ठाकुरबाड़ी में जो लोग गुंडे लोग बैठे हुए हैं, वो लोग क्या करते हैं, ऊपर से पत्थर बरसाने लगते हैं। वे तितर बितर अब सब लोग भागने लगते हैं, अपने हथियार संभाले, लेकिन हथियार संभालने से पहले ही ठाकुरबाड़ी के कमरों की खिड़कियों से फायरिंग शुरू हो जाती है, और वहाँ से फायरिंग भी होने लगते हैं। एक नौजवान के पैर में गोली भी लग जाती है, वह गिर जाता है। उसके गिरते ही हरिहर काका के भाइयों के पक्षधर जो हैं, हरिहर काका के भाई के जो पक्षधर लोग हैं, वो लोग भाग जाते हैं। अब क्या होता है, सिर्फ वे तीनों भाई ही रह जाते हैं। अपने तीनों के बूते इस युद्ध को जितना उन्हें अब कठिन लगने लगता है, अब लगता है कि ये तीनों भाई मिलकर हम इतना बड़ा काम को नहीं कर सकते हैं, इसलिए वे कस्बे के पुलिस थाने की ओर दौड़ पड़ता है। अब वो लोग कहता है, नहीं, पुलिस का सहारा ही लेना ठीक रहेगा, क्योंकि मौत उनके सामने नज़र आ रही थी, गोली चल रहा था, फायरिंग हो रहा था। अब आगे इधर क्या होता है, इधर ठाकुरबाड़ी के भीतर महंत और उनके कुछ चंद विश्वासी साधु सादे और लिखे कागजों पर अनपढ़ हरिहर काका के अंगूठे का निशान लेने के लिए वो लोग जबरन निशान ले रहे थे। हरिहर काका तो महंत के इस व्यवहार से जैसे आसमान से ज़मीन में आ गए हों। अब उसको लग रहा था कि आसमान से जैसे लोग को गिराया जाता है, उस तरह हरिहर काका को लगने लगा। उन्होंने सपने भी नहीं सोचा था कि महंत जी का रूप इस तरह का हो सकता है, इस तरह के गलत रूप महंत अपनाएंगे, जो कि इतने अच्छे अच्छे प्रवचन देने वाला इस तरह का जो घटिया हरकत कर रहा है, गलत हरकत कर रहा है, वो कभी सपने भी नहीं सोचा था। जिस महंत को वह आदर करता था, श्रद्धा के भाव से देखता था, अब क्या कर रहा है, अब उसके प्रति घृणा हो रहा है, उसको पापी नज़र आ रहा है, उसको अब उसको पापी कह रहा है कि अरे ये तो संत नहीं है, तो एक पापी आदमी है। अब वह उस महंत की सूरत को देखना नहीं चाह रहा है, अब चाह रहा है कि उसका हम सूरत भी नहीं देख रहे हैं। अब अपने भाइयों का परिवार महंत की तुलना में उन्हें अब उनका भाई ही उनको पवित्र लग रहा है, कह रहा है कि इससे अच्छा तो मेरा भाई था और नेक था, इसके जैसा घटिया हरकत तो कम से कम नहीं करता था। अब क्या कर रहा है, हरिहर काका ठाकुरबाड़ी से अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन हो गए हैं, लेकिन उन्हें लोग उन्हें पकड़े हुए थे और महंत जी उन्हें समझा रहे थे, तुम्हारे भले के लिए यह सब किया है हरिहर, अभी तुम्हें लगेगा कि हम लोग तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। अभी भी वो प्रवचन दे रहा है, अरे तुमको तो लग रहा है हम जोर जबरदस्ती कर रहे हैं हरिहर, पर यह तो बहुत ही अच्छा काम हम तुम्हारे साथ कर रहे हैं, लेकिन बाद में तुम समझोगे कि जिस धर्म संकट में तुम पड़े थे उससे उबरने के लिए यही एकमात्र रास्ता था। अब बोल रहे हैं कि धर्म संकट से अच्छा तो यही है कि यही एक अच्छा रास्ता है। अब क्या हो रहा है, एक ओर ठाकुरवाड़ी के भीतर जबरन अंगूठे का निशान लिया जा रहा है, और दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप में
आकर ठाकुरबाड़ी में पहुंच गया है। अब जीप से तीनों भाई, एक दरोगा और पुलिस के 8 जवान वहां पर उतर गए हैं। पुलिस इंचार्ज ने ठाकुरबाड़ी के फाटक पर आवाज़ लगाई, दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अब पुलिस के जवानों ने ठाकुरबाड़ी के चारों तरफ घेरा डालना शुरू कर दिया। ठाकुरबाड़ी अगर छोटी रहती तो पुलिस के जवान आसानी से उसे घेर लेते, लेकिन बहुत बड़ा ठाकुरबाड़ी था, इसीलिए पुलिस जवान घेर सकने में समर्थ नहीं था। फिर भी जितना संभव हो सका उस रूप में उन्होंने घेरा डाल दिया, चारों तरफ से पुलिस घेरा डाल दिया और अपना अपना सब लोग मोर्चा संभाल लिया कि इधर से कोई आदमी जाएगा तो इधर हम पकड़ेंगे, उधर जाएगा उधर, इस तरह से सब लोग एकजुट हो गया। अब आगे क्या होता है, हरिहर काका के भाइयों ने सोचा कि जब ये पुलिस के साथ ठाकुरबाड़ी पहुँचेंगे तो ठाकुरबाड़ी के भीतर से हमले होंगे और साधु संत रंगे हाथों पकड़े जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठाकुरबाड़ी के अंदर से एक रोड़ा भी बाहर नहीं आया, शायद पुलिस को आते उन्होंने ठाकुरबाड़ी के सारे महंत लोग जो हैं देख लिए थे। सुबह होने में भी अभी कुछ ही देर था, इसलिए पुलिस इंचार्ज रह रहकर ठाकुरबाड़ी का फाटक खोलने तथा साधु संतों को आत्मसमर्पण के लिए आवाज़ दे रहे थे। अब सारे जो पुलिस लोग हैं वो लोग कह रहे थे, तुम लोग आत्मसमर्पण करो, तुम लोग के हाथों में जो भी हथियार है सबको रखो और यहाँ पर आकर तुम लोग जो है हरिहर काका को यहाँ हमारे सुपुर्द कर दो। अब क्या हो रहा है, लेकिन ठाकुरबाड़ी की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा है। सुबह तड़के एक वृद्ध साधु ने ठाकुरबाड़ी का फाटक खोल दिया। अब एक बूढ़ा साधु खोल देता है, उस साधु की उम्र 80 वर्ष से अधिक होगी। वह लाठी के सहारे कांपते हुए खड़ा था। पुलिस इंचार्ज ने उस वृद्ध साधु के पास पहुंचकर हरिहर काका का ठाकुरबाड़ी के महंत पुजारी था अन्य साधुओं के बारे में पूछा, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार। अब वह ऐसा एक्टिंग करने लगा कि वो बूढ़े हैं, कुछ जान भी नहीं रहे थे। पुलिस इंचार्ज ने कई बार उससे पूछा, डांट भी लगाई, धमकियां दी, लेकिन हर बार एक ही वाक्य कहता, मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। ऐसे वक्त पुलिस के लोग मारपीट का सहारा लेकर भी बात उगलवाते हैं, लेकिन उस साधु की टाल जाना देखकर पुलिस इंचार्ज को महटिया का मतलब टाल जाना जान पड़ा। अब सोचा चलो टाल देते हैं। पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुरबाड़ी की तलाशी लेने लगे। अब लेकिन ना तो ठाकुरबाड़ी के नीचे कमरों में कोई पाया, ना छत के कमरों में। पुलिस ने जवानों को खूब छानबीन की, उस वृद्ध साधु के अलावा कोई दूसरा ठाकुरबाड़ी में नहीं मिला। अब क्या होता है, हरिहर काका के भाई चिंता, परेशानी और दुखद आश्चर्य से गिर गए कि यह क्या हो गया। ठाकुरबाड़ी के महंत और साधु संत हरिहर काका को लेकर कहाँ भाग गए, अब क्या होगा। काफ़ी पैसे खर्च कर पुलिस को लाए थे, पुलिस के साथ आने के बाद वह अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रहे थे। अब उनको लग रहा था कि अब भाई को वे आसानी से घर ले जाएंगे तथा साधु संतों को जेल भेजवा देंगे, लेकिन दोनों में से एक भी अब नहीं हुआ। अब उनको काफ़ी निराशा लग रही है कि अब हम कैसे अपने भाई को पा सकेंगे। ठाकुरबाड़ी के जो कमरे खुले थे उसकी तलाशी पहले ली गई, बाद में जिन कमरों की चिटकिनी बंद थी उसे भी खोला गया। एक कमरे के बाहर बड़ा सा ताला लटक रहा था। पुलिस को हरिहर काका के भाई सब वहीं एकत्र हो गए। उस कमरे की कुंजी की मांग वृद्ध साधु से की गई, मतलब एक वहां पर क्या किया, उसमें हरिहर काका को छुपाकर ताला लगा दिया गया था ताकि पता ना चले कि इसमें हरिहर काका है। जब उससे पूछा गया तो वह इस कमरे में क्या है, तब उसने जवाब दिया कि अरे इस कमरे में अनाज है। पुलिस इंचार्ज अभी यह सोच ही रहे थे कि इस कमरे का ताला तोड़कर देखा जाए, छोड़ दिया जाए, कि अचानक उस कमरे से आवाज़ आने लगी। क्या आवाज़ आने लगी, अंदर से कुछ धक्का मुक्की की आवाज़ आई। पुलिस जवान सावधान हो गया, अब उसका कान खड़ा हो जाता, अरे अंदर में कुछ तो हो रहा है। ताला तोड़कर कमरे का दरवाज़ा खोला गया। कमरे के भीतर हरिहर काका जिस स्थिति में मिले उसे देखकर सभी भाइयों का खून खौल गया। क्या किस स्थिति में था हरिहर काका, उस वक्त महंत पुजारी था, अन्य नौजवान साधु उन्हें नज़र आ जाते तो वे जीते जी उन्हें छोड़ते नहीं। हरिहर काका के हाथ पांव बांध दिए गए थे, उनके मुंह में कपड़े ठूंस कर बांध दिया गया था। अब ये उसका दृश्य दिखाया गया है कि महंत लोग हरिहर काका के साथ कैसा व्यवहार कर रहे थे। हरिहर काका का जमीन पर लुढ़कते हुए दरवाजे तक
आए थे और पैर से दरवाजे पर धक्के दे रहे थे, हरिहर काका ही पैर से धक्के दे रहे थे उस अवस्था में भी, जबकि उनको रस्सी से बांध दिया गया था, मुंह में कपड़ा ठूस गया दिया गया था, फिर भी हरिहर काका के अंदर हिम्मत था, वे अपने पैर से दरवाजे बंधन मुक्त किया गया। अब सब क्या किए, उनको बंधन मुक्त किए, मुंह से कपड़े निकाले गए। हरिहर काका ने ठाकुरबाड़ी के महंत पुजारी और साधुओं की काली करतूतों का पर्दाफाश करना शुरू किया। अब इतने घटिया तरह के जो साधु महात्मा वहाँ बैठे हुए थे उसका पर्दाफाश किया गया, धर्म के नाम पर किस तरह का व्यवहार वे अपना रहे थे उस पर सब लोग महंत लोगों को घृणा की दृष्टि से देखने लगा। डाकू हत्यारे और कसाई हैं सब लोग कहने लगा कि उन्हें इस रूप में कमरे में बंद कर गुप्त दरवाजे से भाग गए कि उन्होंने कई सादे और लिखे हुए कागजों पर जबरन अंगूठे का निशान लिए और उसमें छुपा दिए गए हरिहर काका को, और सारे जो साधु संत हैं चुपके से खिड़की से निकल जाता है। अब क्या होता है, हरिहर काका ने देर तक अपने बयान दर्ज किए और उसके साथ जो जो घटना घटी थी हरिहर काका एक ही एक एक बात पुलिस को बताते हैं। उनके शब्द शब्द से साधुओं के प्रति नफरत घृणा व्यक्त हो रही थी। उन जो जो करतूतें किया था वो वहाँ के महंत साधु लोग, सबको घृणा हो रही थी इस बात से। जीवन में कभी किसी के खिलाफ उन्होंने इतना नहीं कहा होगा जितना ठाकुरबाड़ी के महंत पुजारी और साधुओं के बारे में हरिहर काका ने बताया था। सबकी आत्मा जो है यह सुनकर द्रवित हो गई थी और सबको साधुओं के प्रति घृणा हो रहा था। अब हरिहर काका पुनः अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे थे। इस बार उन्हें दलान पर नहीं, घर के अंदर। अब क्या किए, उनके भाई लोग सोचे अब दलान पर रखेंगे तो फिर महंत लोग उठा के मार देगा या ले जाएगा। अब क्या किया, वो लोग बहुत इंतज़ाम किया और अंदर घर में रखने लगा। कैसे रखने लगा, लोग जैसे जेवर को रखता है, हीरे मोती को छुपा कर रखता है, उस तरह अब हरिहर काका को घर के अंदर चारों तरफ से सुरक्षा देकर रिश्ते नाते वाले लोगों को बुला लिया गया और सबको वहाँ पर एक आदमी जगते थे, एक आदमी सोते थे, एक आदमी हरिहर काका पर हमेशा नज़र रखते थे, यह सब किया गया। हथियार जुटा लिए गए थे, 24 घंटे पहरे दिए जाने लगे थे। अगर किसी आवश्यक कारणवश काका घर से गांव में निकलते तो 4-5 की संख्या में हथियार लिए हुए हरिहर काका के आगे पीछे लोग चलता था। रात में चारों तरफ से घेर कर सोते थे, भाइयों ने ड्यूटी बांट ली थी, आधे लोग सोते आधे लोग जागते रहते, पहरा देते रहते। इधर ठाकुरबाड़ी का दृश्य भी बदल गया था। अब क्या हुआ था, ठाकुरबाड़ी का दृश्य अब क्या हो गया है, इसके बाद यह बताया जा रहा है कि एक से एक खूंखार लोग ठाकुरबाड़ी में अब आ गए थे। उन्हें देखकर ही डर लगता था। गांव के बच्चों ने तो ठाकुरबाड़ी की ओर अब सब जाना ही बंद कर दिया था। हरिहर काका को लेकर गाँव प्रारंभ से ही दो वर्गों में बट गया था। कुछ तो हरिहर काका के पक्ष में थे, कुछ महंत के पक्ष में थे। सब में क्रिया प्रतिक्रियाएँ होती रहती थी कि क्या हो रहा है। और अब हरिहर काका एक सीधे साधे और भोले किसान की अपेक्षा चतुर और ज्ञानी हो गए थे, क्योंकि जब कोई भी इंसान को जब कोई सदमा लगता है, जब उसके साथ घटना घटती है, तो वह किस तरह से चौकस हो जाता है। जिस तरह कोई बिल्ली, एक कहावत है कि एक बिल्ली अगर गर्म दूध में मुँह दी थी तो उसको पता चल गया था कि वो छाछ को भी फूक फूक कर पीती है, उसी तरह हाल हो गया है हरिहर काका का। अब वो और भी ज्ञानी हो गया, और भी उसके अंदर जो है पूरा अनुभव हो गया है और सतर्क रहने लगे हैं। वह महसूस करने लगे कि उनके भाई अचानक उनको जो आदर सम्मान दे रहे हैं, अब उनको लग रहा था कि इतना जो आदर सम्मान मेरा भाई दे रहा है इसमें भी दाल में कुछ काला ज़रूर है। उनकी वजह उन लोगों के साथ उनके सगे भाई का संबंध नहीं, बल्कि उनकी जायदाद मतलब उनके ज़मीन लेकर उसको इतना देखभाल किया जा रहा था। इसी गांव में जायदादहीन भाई को कौन पूछता है, बोल रहे हैं कि अगर किसी को ज़मीन नहीं रहे तो कोई पूछेगा, धन नहीं रहे तो कोई पूछेगा। हरिहर काका को अब सब नज़र आने लगा, अब उसको सब सूझने लगा। महंत की चिकनी चुपड़ी बातों के भीतर भी सच्चाई भी अब वह जान गए थे। ठाकुर जी के नाम पर वह अपना और अपने जैसे साधुओं का पेट पालता है। अब वह सब समझ गया था कि ठाकुर भी कैसा, वो लोग महंत लोग कैसे हैं, जो दूसरे को पेट पालते हैं तो वो लोग उसी के पक्ष में हो जाते हैं। उसे धर्म और परमार्थ से कोई मतलब नहीं है, वो लोग केवल अपना स्वार्थ सिद्धि करना चाहते हैं। निजी स्वार्थ के लिए साधु होने और पूजा पाठ करने का ढोंग रचाया जाता है, वो लोग केवल ढोंग करते हैं, केवल दूसरे को लूटते हैं, दूसरे का शोषण करते हैं,
साधु के बाने में महंत पुजारी और उनके अन्य सहयोगी लोभी लालची और कुकर्मी हैं। अब सब बात उनके मन में आ गया था। छल बल कल मतलब युक्ति बुद्धि किसी भी तरह धन अर्जित करना चाहते हैं और बिना परिश्रम के ये लोग क्या आराम से ऐश मौज करके रहना महंत लोग चाहते हैं। अपने घृणित इरादों को छिपाने के लिए ठाकुरवाड़ी को जो इन्होंने माध्यम बनाया है, एक ऐसा माध्यम जिस पर अविश्वास न किया जा सके। बोल रहे हैं कि धर्म के आड़ में दूसरे को सत्संग सुनाकर किस तरह से ये लोग अंदर से घृणित भावना रखते हैं। इसलिए हरिहर काका के मन ही मन तय कर लिया हरिहर काका कि अब महंत को वे अपने पास फटकने तक नहीं देंगे, साथ ही अपनी ज़िंदगी में अपनी जायदाद भाइयों को भी नहीं ले। अब वो जान गया था कि अगर हम भाई को भी ज़मीन लिख देंगे तो पहले जिस जिसके साथ ऐसा हुआ है उसे मेरे साथ भी होगा, अन्यथा फिर वह दूध की मक्खी हो जाएंगे। जिस तरह दूध में कोई मक्खी गिर जाती है तो लोग मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं, उसी तरह उसकी भी अवस्था इसी तरह की हो जाएगी जब अगर वो बिना सोचे समझे ज़मीन अपने भाई के नाम लिख देगा। लोग निकाल कर फेंक देंगे, कोई उन्हें पूछेगा तक नहीं, बुढ़ापे का दुख बिताए कटता नहीं है। अब आगे क्या करते हैं बता रहे हैं कि लेकिन हरिहर काका सोच कुछ और रहे थे और वातावरण कुछ और ही तैयार हो रहा था। ठाकुरवाड़ी ने जिस दिन उन्हें वापस लाया ठाकुरवाड़ी से जिस दिन उन्हें वापस लाया गया था उसी दिन से उनके भाई और रिश्ते नाते के लोग समझने लगे थे कि विधिवत अपनी जायदाद और अपने भतीजों के नाम लिख दें। वह जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक महंत की गिद्ध दृष्टि उनके ऊपर लगी रहेगी। अब उनका भाई लोग सोच रहा था कि जल्द से जल्द हम जमीन अपने नाम कर लें, नहीं तो कभी भी महंत अपने नाम कर लेगा। सिर पर मंडरा रहे तूफान से मुक्ति के पाने के लिए उनके समक्ष अब एकमात्र रास्ता था। अब क्या रास्ता अपनाया है आगे समझ में आएगा। अब क्या हुआ, सुबह दोपहर शाम रात गए तक यही चर्चा, लेकिन हरिहर काका साफ नकार जाते। अब सुबह शाम भाई लोग यही कहते जल्द करो मेरे नाम लिख दो नहीं तो महंत तुमको ले जाकर सारा ज़मीन लिखा लेगा। मेरे बाद तो मेरी जायदाद इस परिवार को स्वतः मिल जाएगी। यहाँ पर हरिहर काका बोल रहे हैं कि नहीं नहीं हम मर जाएंगे, ये ज़मीन तो तुम ही लोग को होगा, लेकिन हमको लिखने मत दो, अभी हम नहीं लिखेंगे। महंत ने अंगूठे के जो जबरन निशान लिए हैं उसके खिलाफ मुकदमा हमने किया है। भाई जब समझाते समझाते हार गए तब तो उन्होंने डांटना और दबाव देना, अब भाई लोग फिर से उसको डांटना दबाव देना शुरू कर दिया है। लेकिन काका इस रास्ते भी राजी नहीं हुआ है। क्या हुआ है, स्पष्ट कह दिया अपनी ज़िंदगी में वह नहीं लिखेंगे। बस एक रात उनके भाइयों ने वही रूप धारण किया जो महंत किया। अब उसका भाई भी राक्षसी रूप धारण कर लिया है जैसा उसका महंत ने किया है। क्या किया वो उसका भाई, उनके वही अपने सगे भाई जो उनके सेवा और शुश्रूषा करता था, उन्हें अपने अभिन्न अंग समझता था, उनकी नींद में सोता जागता था, वह क्या किया है अब सीधे मन से कागजों पर जहां तहां जरूरत अंगूठे का निशान बनाते चलो, अन्यथा मार कर यहीं घर के अंदर गाड़ देंगे। अब बोल रहा है कि तुम यहां पर इस पर निशान लगाओ नहीं तो इसी घर में मार के गाड़ देंगे। गांव के लोगों को कोई सूचना तक नहीं मिल पाएगी। अब हरिहर काका तो बेचारा अकेले ही पड़ गए। अगर पहले वाली बात होती तो हरिहर काका डर जाते, अब तो हरिहर काका और मजबूत हो गए। अब तो वो डरने वाले हैं नहीं क्योंकि वो उनके अंदर भगवान की शक्ति थी। अज्ञान की स्थिति में वे मनुष्य मृत्यु से डरते हैं, कह रहे हैं वही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं जिसके अंदर अज्ञान रहता है। जिसके अंदर ज्ञान हो जाता है वो कभी मृत्यु से डरता नहीं है क्योंकि भगवान हमेशा आत्मा के अंदर होती है और आत्मा हम लोग जानते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं है। इसीलिए जो ज्ञानी लोग होते हैं वो मौत से कभी डरते नहीं हैं, वो सत्य के रास्ते पर चलते हैं। तो ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए तैयार हो जाता है, इसमें यही कहा गया है। हरिहर काका ने सोच लिया कि यह सब एक ही बार उन्हें मार दें वह ठीक होगा, लेकिन अपनी ज़मीन लिखकर रमेश्वर की विधवा की तरह शेष जिंदगी वे घुट घुट कर मरे यह ठीक नहीं है। रमेश्वर जिस तरह घुट घुट कर जमीन लिख कर मरा उस तरह उनको पसंद नहीं है। रमेश्वर की विधवा को बहला फुसला कर उनके हिस्से की ज़मीन रमेश्वर के भाई ने लिखवा रहा, और बोल रहे हैं कि रमेश्वर का जो बीबी है उसे लिखवा लिया गया और उसका पहले तो खूब मान आदर किया गया, बाद में उसको दो जून रोटी खाना भी नहीं दिया गया, उसकी किस तरह से दुर्गति हुई है। हरिहर काका यह सब जान गया था। हरिहर काका को लगता है कि अगर रमेश्वर की विधवा ने अपनी ज़मीन नहीं लिखी होती तो अंत समय तक लोग उसके पाँव पखारते होते।
अब हरिहर काका गुस्से में खड़े हो गए और गरजते हुए कहा, मैं अकेला हूँ, तुम सब इतने हो, ठीक है मुझे मार दो, मैं मर जाऊँगा, लेकिन जीते जी एक धूर जमीन भी तुम्हें नहीं लिखूँगा। तुम सब ठाकुरबाड़ी के महंत पुजारी से तनिक भी कम नहीं हो। तुम लोग जिस तरह ठाकुरबाड़ी के महंत हैं उससे तुम कम नहीं हो, ऐसे ही राक्षस प्रवृत्ति को तुम भी हो। देखते हो कैसे नहीं देखते हैं कैसे नहीं लिखोगे। अब उनके भाई बोल रहे हैं, देखते हैं कैसे नहीं लिखोगे, लिखना तो तुम्हें है ही, चाहे हंस के लिखो या रो के लिखो। अब आगे हरिहर काका के साथ उनके भाइयों की हाथापाई शुरू हो गई। अब वो लोग मारपीट करना शुरू कर दिया। हरिहर काका उस घर से निकलकर बाहर गांव में भागना चाह रहे थे, लेकिन उनके भाइयों ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया था। प्रतिकार करने, विरोध करने पर वे प्रहार करने लगे थे। अब जब बोलता था तो उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। अकेले हरिहर कई लोगों से जूझ सकने में असमर्थ थे। उधर कई लोग थे, इधर हरिहर काका अकेले थे। अब वो मतलब हिम्मत उनका काम नहीं कर रहा था, फिर भी उन्होंने अपनी रक्षा के लिए खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया। अब भाइयों को चेत आया कि मुंह तो इन्हें बंद पहले ही बंद कर देना चाहिए था। अब बोला, अरे हम लोग गलती कर दिए, पहले इसका मुंह बंद कर देते तो ये आवाज़ ही नहीं निकालता। उन्होंने क्या किया, उन्हें पटक कर मुंह में कपड़ा ठूस दिया। लेकिन ऐसा करने से पहले ही काका की आवाज़ गांव में पहुंच गई थी। ऐसा हुआ कि भगवान भी सब सुनते हैं, और ठूसने से पहले ही कपड़ा ठूसने से मुँह में पहले ही वो चिल्ला चुका था और आवाज़ पूरे पड़ोस में फैल चुका था। टोला पड़ोस के लोग दलान में सब जुटने लगे। ठाकुरबाड़ी के पक्षधरों के माध्यम से भी लोग आ गए थे, और लेकिन वहाँ उपस्थित हरिहर काका के परिवार और रिश्ते नाते के लोग गांव के लोगों को समझा देते कि अपने परिवार का निजी मामला है, इसमें दूसरों को क्या है। अब वो लोग के परिवार वाले बोलते थे, हम लोग का निजी मामला है, इसमें दूसरे लोग क्यों दखल करने आ रहा है। लेकिन महंत जी ने वह तत्परता और फुर्ती दिखाई जो काका के भाइयों ने भी नहीं दिखा पाई थी। वह क्या करता है, महंत पुलिस को बुला लेता है। पुलिस आने के बाद निजी मामला का सवाल खत्म हो गया, घर तलाशी शुरू हुई। फिर हरिहर काका को उससे भी बदतर हालत में बरामद किया गया। जिस तरह महंत भी जितना गलत सलूक उसके साथ नहीं किया था, उससे भी गलत सलूक उसका भाई किया है। और क्या किया, उन्हें हालत में बरामद किया गया, जिस हालत में ठाकुरबाड़ी से उन्हें बरामद किया गया था, जिस तरह ठाकुरबाड़ी में मुंह बंद किया गया था उसी तरह उनके भाइयों ने किया था। अब बंधन मुक्त होने और पुलिस की सुरक्षा पाने के बाद उन्होंने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत जुल्म अत्याचार किया। अब जो भी करतूत उनका भाई उसके साथ किया था हरिहर काका के साथ, सारी बात उसको बताया। जबरन उनके कागज़ पर अंगूठा का निशान ले लिया है, उन्हें खूब मारा पीटा है, उनकी कोई भी दुर्गति बाकी नहीं छोड़ी है, अगर और थोड़ी देर हो जाती तो वह जान से भी मार सकता था। यह सारी बात जो है पुलिस को वह बता देता है। हरिहर काका के पीठ, माथे और पाँव पर कई जगह जख्म का निशान था। वह बहुत घबराए हुए से लग रहे थे, कांप रहे थे। अचानक बेहोश होकर वह गिर गए हैं। मुंह पर पानी छींटकर उन्हें होश में लाया गया। भाई और भतीजे तो पुलिस आते ही चंपत हो गए, मन भाग गया है। पुलिस की पकड़ में रिश्ते के दो व्यक्ति आए, रिश्ते के शेष लोग भी फरार हो गए, भाग गए। हरिहर काका के साथ घटी घटनाओं में यह अब तक की सबसे अंतिम घटना है। इस घटना के बाद काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने लगे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए राइफलधारी पुलिस के 4 जवान मिले हैं। हालांकि इसके लिए उनके भाइयों और महंत की ओर से काफ़ी प्रयास किए गए हैं। असल में भाइयों को चिंता थी कि हरिहर अकेले रहने लगेंगे तब ठाकुरबाड़ी के महंत अपने लोगों के साथ आकर पुनः उन्हें ले भागेंगे, और यही चिंता यानी महंत और उनके भाई दोनों का ये था कि पुलिस रहे तो ठीक है, नहीं तो कभी लगता था कि उसके भाई ले जाएंगे और भाई को लगता था कि कहीं महंत लेकर भाग जाए, फिर क्या होता है। इसलिए जब हरिहर काका ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की मांग की, तब नफ़ेत में रहकर भी उनके भाइयों और महंत जी ने पैरवी लगा दी और पैसे खर्च कर उन्हें पूरी सहायता पहुंचाई, क्योंकि एक दूसरे को डर लग रहा था कि हो सकता है महंत ले ले, महंत को डर लग रहा था कि कहीं सारा ज़मीन उसके भाई ले रहे। यह उनकी सहायता का ही परिणाम है कि एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए गाँव में पुलिस के 4 जवान तैयार किए थे। जहाँ तक मैं समझता हूँ, लेखक यहाँ बोल रहे हैं कि जहाँ तक मैं समझता हूँ, फिलहाल हरिहर काका पुलिस की सुरक्षा में जरूर रहे हैं, लेकिन वास्तविक सुरक्षा ठाकुरबाड़ी और अपने भाइयों की ओर से मिल रही है। ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाई इस बात
के प्रति पूरी तरह सतर्क हैं कि उनमें से कोई या तो गांव का कोई अन्य हरिहर काका के साथ जोर जबरदस्ती कर लेगा या दोनों में से कोई हो जाएगा। साथ ही अपना सद्भाव और मधुर व्यवहार प्रकट कर पुनः उनका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए दोनों दल अब प्रयत्न हो गए हैं, दोनों दिखावा कर रहे हैं। आगे क्या हो रहा है, गांव में एक नेताजी, अब बीच में एक नेताजी आ जाते हैं। वह न तो कोई नौकरी करते हैं और न खेती गृहस्थी, फिर भी बारहों महीनों मौज उड़ाते हैं। क्या मौज उड़ाते हैं, सबसे धन ऐंठते रहते हैं। राजनीति की जादुई छड़ी उनके पास है। उनका ध्यान हरिहर काका की ओर जाता है। वह तत्काल गाँव के कुछ विशिष्ट लोगों के साथ उनके पास, अब वो क्या करते हैं, नेताजी कुछ लोगों को लेकर फिर हरिहर काका के पास आते हैं और कहते हैं कि उनका ज़मीन उसके नाम कर दें और हरिहर उच्च विद्यालय नाम से एक हाई स्कूल खोल दिया जाए। इससे उनका नाम अमर हो जाएगा, उनकी ज़मीन का सही उपयोग होगा और गांव के विकास के लिए एक स्कूल मिल जाएगा। लेकिन हरिहर काका के ऊपर अब तो कोई भी दूसरा रंग चढ़ने को तैयार नहीं है। नेताजी भी निराश होकर लौट जाते हैं। इन दिनों गांव की चर्चाओं में केंद्र है हरिहर काका। अब सब जगह हरिहर काका का चर्चा चल रहा है। खेत खलिहान अलाव बगीचे बरगद, हर जगह उनकी ही चर्चा। हर जगह जहां जाओ वहां हरिहर काका की चर्चा चल रहा है। उनकी घटना की तरह विचारणीय और चर्चनीय कोई दूसरी घटना नहीं है, क्योंकि दो दो घटनाएँ उनके साथ घट चुकी है। एक महंत अपने ठाकुरबाड़ी में घटना किया, दूसरा उनका भाई है उसके साथ घटना किया। गांव में जहां कहीं और जिन लोगों के बीच हरिहर काका की चर्चा छिड़ती है तो फिर उसका कोई अंत ही नहीं होता है। सब लोग खूब उसका चर्चा चलाते हैं। लोग तरह तरह की संभावनाएं व्यक्त करते हैं। कोई कहते हैं राम जाने क्या होगा, दोनों ओर के लोगों ने अंगूठा के निशान ले लिए हैं को। लेकिन हरिहर ने अपना बयान दर्ज किया है कि वे दोनों लोगों में से किसी को अपनी ज़मीन नहीं देंगे। दोनों ओर के लोगों ने जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए हैं। इस स्थिति में उनके बाद उनकी जायदाद का हकदार कौन होगा, लोग सब यह सब सोच रहा है। लोगों के बीच बहस छिड़ जाती है। उत्तराधिकारी के कानून पर जो जितना जानता है उससे 10 गुना अधिक उगल देता है, यानी लोग अपना अपना वकील के जैसे वहाँ जो है अपना अपना सुझाव देने लगता है। फिर भी कोई समाधान नहीं निकलता है, रहस्य खत्म नहीं होता, आशंकाएं बनी रहती है। लेकिन लोग आशंकाओं और नज़रअंदाज कर अपनी पक्षधरता शुरू कर देते हैं कि उत्तराधिकार ठाकुरबाड़ी को मिलता तो ठीक रहता। कोई कहता कि ठाकुरबाड़ी को मिलना चाहिए, कोई कहते कि हरिहर काका के भाइयों को मिलना चाहिए। ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाइयों ने कब क्या कहा, यह खबर बिजली की तरह एक ही बार समूचे गांव में फैल जाती है। खबर झूठी है कि सच्ची, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। जिसे खबर हाथ लगती है वह नमक मिर्च मिलाकर मतलब इसमें मजा लेता है, रस लेता है। एक खबर आती है कि महंत जी और हरिहर काका के भाई इस बात के लिए अफसोस कर रहे हैं कि अंगूठे के निशान लेने के बाद उन्होंने हरिहर को ख़त्म क्यों नहीं कर दिया। अब यह सब बात जो है फैलती जा रही है कि उसका भाई सोच रहा था कि अच्छा होता हम मार ही देते तो ये कुछ उगलता ही नहीं। यह सब बात आग की तरह वहाँ फैल रहा है। एक दूसरी खबर आती है कि हरिहर मरेंगे तो उन्हें अग्नि प्रदान करने के लिए ठाकुरवाड़ी के साधु संतों और काका के भाइयों के बीच काफ़ी लड़ाई होगी। यह सब बहस छिड़ रहा है। दोनों ओर से अग्नि प्रदान करने का निश्चय हो चुका है। इस संदर्भ में उनकी लाश हस्तगत करने के लिए खून की नदी बहेगी। लोग कह रहा है कि जब वो मरेंगे तब तो लग रहा है दोनों तरफ से खून की नदी बह जाएगी। यह सब हो रहा है। एक तीसरी खबर क्या आती है कि हरिहर काका की मृत्यु के बाद उनकी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए उनके भाई अभी से तैयारी कर रहे हैं। इस इलाके के मशहूर डाकू बुटन सिंह से उस लोगों की बातचीत पक्की कर ली है। हरिहर के 15 बीघे खेत में से 5 बीघे बुटन लेगा और दखल कर देगा। अब बोल रहा है कि बुटन जो है काफ़ी बदमाश है, वो क्या करेगा, उसको मार ही देगा इससे पहले, और उसको 5 बीघा ज़मीन मिल जाएगा। इससे पहले भी इस तरह के 3-4 मामले बुटन ने निपटाए हैं। बुटन क्या करता है, मार काट देता है और ज़मीन 5-4 बीघा कोई दे देता है। पूरे इलाके में उसका तूती बोलती है, मतलब पूरे इलाके में उसका जो है रोब चल रहा है। एक चौथी खबर आती है कि महंत जी ने निर्णय ले लिया है कि हरिहर की मृत्यु के बाद देश के कोने कोने से साधियों और नागाओं को बुलाए जाएंगे। अब यह सब बात चल रही है। रहस्यात्मक और भयावनी खबरों में से गांव का आकाश आच्छादित है, मैंने चारों तरफ यह खबर फैल गया है। दिन प्रतिदिन आतंक का माहौल गहराता जा रहा है। यह सब बातें हमेशा होते रहा है, रात दिन जब भी चर्चा होती है बस यही बात की। सबके मन में यह बात है कि हरिहर कोई अमृत पीकर थोड़े आए हैं, एक न एक दिन उन्हें मरना ही है।
फिर एक भयंकर तूफान की चपेट में यह गांव आ जाएगा, मतलब लोग कल्पना कर रहा है उस वक्त क्या होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। यह कोई छोटी लड़ाई नहीं है, एक बड़ी लड़ाई है, यह सब आदमी बोल रहा है। जाने अनजाने पूरे गांव इसकी चपेट में आएगा ही, इसलिए लोगों के अंदर भय भी और प्रतीक्षा भी, एक ऐसी प्रतीक्षा जिसे झूठलाकर भी उसके आगमन को टाला नहीं जा सकता है। और हरिहर काका वह तो बिल्कुल मौन हो गया है, अपनी ज़िंदगी के शेष दिन काट रहे हैं, एक नौकर रख लिया है, वहीं उन्हें बनाता है, खिलाता है, उनके हिस्से की ज़मीन में जितनी फसल होती है उससे अगर वह चाहते तो मौज की ज़िंदगी बिता सकते थे, लेकिन वह गूंगेपन का शिकार हो गया है। वह जो उसके साथ जो घटना घटी है वह अब चिंतित से दिखाई देने लगे हैं। कोई बात कहो, कुछ पूछो, कोई जवाब नहीं देते हैं, लेखक बता रहे हैं। खुली आँखों से बराबर आकाश को निहारा करते हैं। सारे गांव के लोग उनके बारे में बहुत कुछ कहते सुनते हैं, लेकिन उनके पास अब कहने के लिए कोई बात नहीं है। पुलिस के जवान हरिहर काका के खर्चे पर ही खूब मौज मस्ती से रह रहे हैं। जिसका धन वह रहे उपास, खाने वाले करे विलास, अब तक नहीं खाया था, दोनों जून उसका भोग लगा रहे हैं। मतलब पुलिस लोग भी खूब मौज मस्ती से रह रहे हैं, नौकर भी मौज मस्ती से रह रहे हैं, और यहाँ पर हरिहर काका अपने हृदय से दुखी दिखाई दे रहे हैं। तो इस पाठ में यही संदेश मिलता है कि आदमी को हमेशा सतर्क रहना चाहिए, लेकिन अपनी मनुष्यता जो है नहीं खोनी चाहिए, और अपने विवेक बुद्धि से काम लेना चाहिए, बड़े बुजुर्गों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। भाई भाई हो, एक छोटी सी ज़मीन के लिए इस तरह का मन में भेदभाव नहीं रखना चाहिए। तो आशा है आप लोगों को यह पाठ समझ में आ गया हो, और समझ में आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब के बगल में जो बेल बटन है उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यह पाठ आपको कैसा लगा कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।